की कैटेगरी बनी हुई है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है बात? मेक रिजर्वेशन, ये आपके काम की चीज, मेक रिजर्वेशन, ठीक है। गाड़ी वगैरह वाली ये क्या है? ये क्या है? ऑर्डर दे देगा तो ये क्या जाएगा? मल्टी काची लाहौर, लाहौर दुबई, दुबई दुबई लाहौर, सिक्स फीट ऑफ समथिंग का अब बहुत देगा कराची, ठीक है ना, लाहौर मैं स्क्रैच कर रहा हूँ और तुम्हारी बात देख रहा, ठीक है ना। ये क्या आया आपकी डेट ऑफ ट्रैवलिंग, इधर मैं सेट करूंगा, यहाँ से दिया डन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज देख रहा हूँ, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ बात समझ रहा हूँ सही है। जैसे मैंने चेक लगाया इस्लामाबाद क्योंकि पे आपको कुछ अपने पास से करने के लिए सिस्टम खुद लाके देगा। आपने इस्लामाबाद क्रिकेट सिलेक्ट किया, जैसे ही इस्लामाबाद क्रिकेट केबल भी सिलेक्ट करेंगे इकोनॉमी, एक डन एक चाय, वैसे ही एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल है, क्या है ये पीपीएनटीएल, तो आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आके दे देगा आपका। फर्स्ट क्लास दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक डन है पाकिस्तान नेशनल है, तो आपने यहाँ सिलेक्टेशन नहीं देनी, आपने कहा देनी है यहाँ देनी आपने, तो ये पीपीएनटीएल हो जाएगा आपके लिए। अगर फॉलो है तो फिर आपने कहा देना वहाँ पर एडन पे चेक करके आ रहा है आपने, अभी बात समझ में। इसी तरह से अगर आप देखें कराची जद्दा, जैसे कराची जद्दा सेलेक्ट किया तरीका बाकी पीपीएल वाला, तो आपको खुद से कुछ नहीं करना, वो खुद डाल देगा जिसके साथ जो अटैचमेंट हुई हुई है प्राइसिंग की, जहां जहां टू टाइप के फेयर्स है सिस्टम अवेलेबल के साथ डाल देगा। क्लियर बात? ओके आपका चूज करना है अकाउंट में बिजनेस चूज करना है, चूज कर लीजिए आप, ठीक है ना। नाउ एक अगर एक चाय को ऐड करना बैठी है, एक अगर चाय लेना ठीक है। अच्छा इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कि आपका काम जो 10 चीजों में होता काम हो जाएगा, ये आपके सामने आ गया है, ये यहाँ से आप डेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, डेट का अपने यहाँ पे आएगा आपके पास। उसने दिया कि एक अटैच एक चाय कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्राइस के साथ डिपॉजिट रेट के साथ की काफी चीज नहीं है, डब्ल्यू पी एन सी भी करना तो आप क्या करेंगे तो छोड़ दें, काफी चीज नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट की चीज देनी काफी चीज, एक दो तीन चार पाँच छः रन से देनी काफी ज्यादा, और आपने ये चीज़ देखनी, ये चीज़ चाहिए राइट रूट रूट फ्लाइट नंबर स्टॉप ओवर इंफॉर्मेशन ड्यूरेशन डेट क्या है आपके लिए सारी ये कि आप उसने सबसे लोवेस्ट फेयर जो फ्लाइट अवेलेबल है उसके साथ सॉर्ट कर दिया उसने आप कस्टमर को डब्ल्यू पी एन सी भी डब्ल्यू पी एस वन एस टू करनी जरूरी पड़ेगी सर, जो पहली फ्लाइट सुबह 4 बजे पड़े सबसे लोवेस्ट उस पर, उसके बाद सुबह 4 बजे की फ्लाइट, उसके बाद फिर क्या हो गया आपका फेयर बढ़ गया आपका, ठीक है। इन दो फ्लाइटों में फेयर लोवेस्ट है, इन बाकी फ्लाइटों में फिर बन गया आपका बढ़ गया, तो कस्टमर को आप पहले से अवेलेबल देते हैं, फिर इस फ्लैट में लोवेस्ट मिल रहा है आपके, अपनी चॉइस अलग बात है जी। मुझे यह कैसे पता चलेगा इस फेयर में कितनी सीट्स अवेलेबल आ रही हैं? अगर पैसेंजर कहते हैं मेरे पास 3 पैसेंजर हैं और अगर इस फेयर में एक ही सीट आ रही हो तो ज्यादा आ गया पीछे बैठे आ गई है, आप वो कह रहे जी मुझे जाना है 302 पे, उसने आपको चॉइस अपनी दे दी तो उसकी मर्जी है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है वो आपको इसी फ्लाइट की सारी आरबीडी के साथ फेयर के साथ सारा मजा मिलेगा आपको। फिर लड़का कौन सी है? जानते हैं? अभी लिखा है जीएबी ग्रॉस अवेलेबिलिटी, क्या लिखा है ये? ग्रॉस अवेलेबिलिटी या तो फ्लैट में 2 सीटें या 9 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 8 सीटें हैं तो आपको आराम से मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ से आइटम ऑरेंज नेवी ये सब मिल गया आपको, देखे ना हमने इकोनॉमी सेट किया था उसमें पूरा आपको प्रॉपर बिजनेस।